अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हज़ार नक्सद आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम आप लोगों को फ़िश बनाना सिखाएंगे ऑन सेसमी नूडल्स, जो कि हम बेक पार्लर के नूडल्स यूज़ करेंगे। और दूसरी रेसिपी भी बेक पार्लर की लज़ानिया हम बना रहे हैं, लेकिन लज़ानिया रोल अप्स, ठीक है, पालक के साथ, चीज़ के साथ, रिकोटा चीज़, पामेजान चीज़, ये सारी चीज़ों के साथ। एक रेड सॉस भी हम बनाएंगे, और वो रेड सॉस में जो मेन अज्जा होगी वो है टमाटो केचप बेक पार्लर का। सो सबसे पहले वील स्टार्ट मेकिंग द सॉस, फिर हम पालक के साथ क्या करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी, और इसके बाद हम फिश बनाएंगे। नाउ फिश आपको जो भी लेनी है, देखिए मैंने यहाँ सोल फिश को फिले करा दिया था, इस तरह कांटा चमड़ा एक तरफ का निकाल दिया था, बीच में से का मेन कांटा निकाल दिया था एंड यहाँ का चमड़ा रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको फिले फिश के साथ करना है, बिल्कुल कांटा चमड़ा निकली हुई, उससे करिएगा। हर दफ़ा मैं फिले फिश लेके आती हूँ तो मैंने सोचा आज ज़रा थोड़ा सा कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए, ठीक है। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ दोनों पैन्स में पानी मैंने गर्म करके रख दिया था, बिकॉज मुझे स्पगेटी और लज़ानिया के शीट्स को भी बॉयल करना है, राइट। सो ये हो गया था गर्म, इसमें हम डाल देते हैं, यहाँ से स्पगेटी में ले लेती हूँ बेक पार्लर की। सवाल हमने रखा है आज डीलक्स सैंडविच मेकर इनिक्स की तरफ से है, और इसके अलावा पाउच 365 की कूपन बुक्स भी हैं। आपने मुझे बताना है स्पगेटी से बनने वाले रेसिपीज़ के कोई नाम, बहुत सारे मैंने बनाना सिखाए हैं, कुछ भी, एनीथिंग दैट यू नो दैट यू लाइक दैट यू हैव मेड। बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स, बहुत अच्छा पास्ता है, इतने मुख्तलिफ शेप्स हैं और रेसिपी मिक्सेस भी इनके हैं। एंड लज़ानिया के शीट्स, अब इनको हमें रोल करना है। सो इनको हमें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मशी नहीं कर देना है, ओवर बेक नहीं करना है, ठीक है। बेक पार्लर का ये कमाल है कि जैसे रेस्टोरेंट में हम खाते हैं रेसिपीज़, वैसे ही रेसिपीज़ टर्न आउट होती हैं। बेक पार्लर का पास्ता ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट में तैयार किया जाता है, 18 मुख्तलिफ शेप्स हैं, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, और आपकी मनपसंद की 26 मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी मिक्सेस भी इनके हैं। तो ट्राई करिएगा, घर लाइएगा, और ऑफकोर्स सेवैयाँ भी हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान की हुई हैं वो मैं आपको बनाना सिखाऊँगी एज़ एंड व्हेन टाइम होगा विथ आर रेसिपी डेज, ट्यूसडेज एंड थर्सडेज, ठीक है। चलिए इसमें हमने शाताज कुकिंग ऑयल के चंद कतरे डालने हैं ताकि ये पास्ता चिपके ना। शाताज कुकिंग ऑयल ज़रा सा और, एंड थोड़ा सा हम इसमें नमक भी शामिल करेंगे। चलिए अब मैं सॉस की तैयारी करूं। सो यह सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा शाताज कुकिंग ऑयल डालेंगे और प्याज को पकाएंगे। फिर इसमें जाएगा टमाटो पेस्ट, थोड़ी सी चीनी, कुटी हुई लाल मिर्चें, ऑरेगानो, लहसुन और टमाटो केचप। ये रेड सॉस पूरा बनेगा, और फिर उसके अंदर हम ये पालक, देखें ये पालक है, मोज़रेला चीज़ है,
ये रिकोटा चीज़ है। मैंने एक किलो दूध लिया था, उसमें एक टेबल स्पून भर के मैंने नमक डाला था और मैंने उसमें एक पूरे नींबू का रस डाला था और उसको फटने के लिए छोड़ दिया था 5 से 7 मिनट में। जब वो दूध फट गया तो उसको हमने मलमल के कपड़े में टांग लिया। ये आपका रिकोटा चीज़ रेडी, ठीक है। और ये नमक है, काली मिर्चें हैं, पामेजान चीज़ है, अंडे हैं और जायफल है। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके लज़ानिया के शीट्स के अंदर रख के रोल करेंगे। रोल अप्स हैं ये, और उसके बाद ये रेड सॉस जाएगा ऊपर और नीचे और अवन में हम ज़रा इसको बेक कर देंगे। ब्राउन नहीं करना है आपने, प्याज को सौते करना है, ठीक है। प्याज सौते हो जाए शाताज कुकिंग ऑयल में तो आपने इसमें लहसुन शामिल कर देना है, फिर कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, ओरिगैनो है, टमाटो केचप बेक पार्लर का और टमाटो पेस्ट दोनों। टमाटो पेस्ट चला गया, टमाटो केचप चला गया और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है तो हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। आप लोग लीजिए ब्रेक और देखते रहिए फूड डायरीज। यहाँ जो हमारी गिफ्ट्स हैं, वाउच 365 की कूपन बुक्स और इनिक्स का गिफ्ट अगर जीतना है तो जल्दी से आपने मुझे स्पगेटी से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताने हैं। मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। लज़ानिया के शीट्स बेक पार्लर के जब बॉईल हो जाएं पानी और शाताज कुकिंग ऑयल में और नमक में तो निकाल दीजिएगा और उसको आप थोड़ा सा और तेल लगा के यहाँ रख दीजिएगा स्ट्रेट। वी डोंट वांट टू बी ओवर बॉईल देम, ठीक है, मशी बहुत नहीं हो जाए। अब हमने एक पैन में, पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ, मैंने शाताज कुकिंग ऑयल में थोड़ा सा प्याज, एक अदद चॉप की हुई, 2-3 लहसुन के जवे सौते कर दिए थे, ब्राउन नहीं करना है। उसमें हमने टोमेटो केचप डाला था बेक पार्लर का, टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी मैंने कलर के लिए डाली है एक अबाउट बिग टेबल स्पून भर के, ओरिगैनो गया था उसमें और आप इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे, ये पिसी हुई चीनी है। सो सब कुछ चला गया, मैंने इसमें नमक शमक कुछ नहीं डाला है बिकॉज दीज सॉसेज आर ऑल क्वाइट सॉल्टी, ठीक है। और इसको इतना पतला रखिएगा बिकॉज ये हमें नीचे बिछाना होगा एंड ऊपर भी डालना होगा, ठीक है। और भी मज़ीद, इनफैक्ट आई वॉन्ट टू एड अ लिटिल बिट मोर ऑफ टोमेटो केचप, इसमें 20 रुपये की बचत भी है इस पाउच पे। ओके, बिकॉज आई नीड इट सॉसी, नीचे भी सॉस जाएगा और ऊपर भी जाएगा। ओके नाउ, अब ये देख लीजिएगा प्लीज़, यहाँ जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को हमने डालना है एक बोल में। सो ये नमक है, ये कुटी हुई काली मिर्चें हैं, ठीक है, ये जायफल है, नटमेग यानी के, ये नटमेग चला गया। अब हम इसमें डालेंगे पार्मेजान चीज़ ग्रेट किया हुआ, ये मोज़रेला चीज़ है ग्रेट किया हुआ। हर चीज़ आपने एक बोल में पहले मिक्स करनी है। फिर ये जो रिकोटा चीज़ था जो मैंने आपको बताया था कि मैंने कैसे बनाया है, 1 किलो दूध लीजिएगा, उसमें 1 नींबू का रस डालिएगा 1 चमचा भर के, आप उसमें नमक डालिएगा और उसको छोड़ दीजिएगा। जब वो पक जाए, अच्छी तरह बॉईल हो जाए, फट जाए, तो उसको मलमल के कपड़े में छान लीजिएगा। ये क्रम्बली सा आपको रिकोटा चीज़ बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। ये बहुत महंगा मिलता है, घर में बनाइए ताज़े दूध से, क्या मसला है, कोई मसला ही नहीं है। क्यों हम जाके इतना महंगा ख़रीदें जब हम घर में ये दूध दही से चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हो गया, अब मुझे इसमें क्या डालना है, पालक, विच इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। सो पालक ये बहुत सारी है, अच्छी तरह धोइएगा और चॉप कर दीजिएगा बिकॉज इसको हमें रोल करना है, इट गोज़ इन द लज़ानिया के शीट्स में रोल करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और 2 अदद अंडे, अब अच्छी तरह आप इसको मिक्स करिए, ठीक है। पार्मेजान, रिकोटा और मोज़रेला चीज़ हैं, 3 किस्म के चीज़ हैं।
और पालक है, अंडे हैं, नमक, काली मिर्चें और जायफल। हमेशा पालक की रेसिपीज़ में जायफल डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पालक थोड़ी सी और डालेंगे, लेकिन अभी पहले ज़रा मिक्सिंग के लिए मुझे आसानी पड़े। पालक कच्ची है, ठीक है, पकाना कुछ नहीं है। अब जो बोल में आपने पकाना है, बेक करना है, या पैन में या टिन में, जिसमें भी आप कर रहे हैं, टिन तो नहीं, ऑफकोर्स आई ऑलवेज से टिन, आई डोंट नो व्हाई आई यूज़ द वर्ड टिन, देन आई ऑलवेज से टिन नहीं। इसमें आपने पहले सॉस डालनी है थोड़ी सी, जस्ट ऑन द बेस। फैला दीजिए सॉस को, ठीक है, और इसमें आपने ये लज़ानिया की शीट के ऊपर ये एक एक चमचा भर के रखना है, और फिर इसको आपने करना है रोल। सो फॉर दैट रीज़न यू शुड नॉट ऐड टू मच फिलिंग। अगर ज़्यादा फिलिंग होगी तो आप उसको रोल नहीं कर सकोगे। थोड़ी सी और पालक, एंड देन मैं इसको एक चम्मच ले लूँ ताकि मैं इसको आसानी से रोल कर सकूं। आज इनफैक्ट दोनों चीज़ों में पालक भी है और पास्ता भी है बेक पार्लर का। नाउ ब्रिंग दिस क्लोजर। आपको इसको अच्छी तरह इस तरह पैक करके रोल करना है। पालक तो इसी में अंदर पक जाएगी, ठीक है, ये रोल अप्स हैं। ये रोल करके इसको उठा के ऐसे करके रखते जाइए। बहुत सारी फिलिंग है, ये पूरी नहीं इस्तेमाल होगी, पर अगर आपको इसको थोड़ा सा और भरना है सो यू कैन डू सो। ये इस तरह सीम साइड डाउन नीचे रखते जाइए। वाउच 365 की कूपन बुक्स हैं, सैंडविच मेकर है, एनिक्स की तरफ से अगर जीतना है तो स्पगेटी से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम मुझे बताइए। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारी चीज़ भरिए और इसको रोल करिए। कॉलर हैं जी, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपके सामने जी, फरमाइए। बस यही, मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा, तो मैंने कहा चलो आपसे बात कर लूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बोले। पहली दफा आपसे बात हो रही है। अच्छा जी, खुश आमदेद हमारे शो में फिर तो। बहुत शुक्रिया जी, बोले। देखती तो हूँ लेकिन बात आज कर रही हूँ। फोन आज किया आपने? अच्छा जी, भाई ओके, ठीक है जी, थैंक यू। और कुछ कहना है? बस तारीफ है। तो स्पगेटी से बनने वाले रेसिपीज के नाम भी तो बताइए, तारीफ तो आप लोग करते ही रहते हैं। किस चीज की? स्पगेटी, स्पगेटी, ये पास्ता होता है ना स्पगेटी, उसके से बनने वाले रेसिपी। मैंने कभी बनाई नहीं ना, मुझे इनका नहीं पता सही। अच्छा नहीं पता, तो ऐसे करें ना, बेक पार्लर की रेसिपी मिक्सेस ले आए और उससे आप आराम से बनाएं, बहुत आसान है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है? अच्छा, वैसे मैं और बनाती ये कभी नहीं बनाए, जो सही बात है। ऐसे झूठ झूठ क्या कहती हूँ, क्या वैसे गिफ्ट देना है तो दे देना। वैसे तो दे देना, अच्छा आप सोचते हैं ना किसको लगता है, मुझे नहीं पता। गिफ्ट देना है तो मेरा बस, चलो तो मैं सबको गिफ्ट दे दूं। हैं कितनी स्वीट है, कह रही है गिफ्ट देना है तो दे देना। मैं इतना भर भर के इसको कर रही हूँ कि वो खाली खाली ना लगे। रोल करने में कोई इतनी मुश्किल हो रही है, बिकॉज ये स्लिपरी हैं, इधर उधर से चीज बाहर निकल आ रहा है। नहीं ना, मुझे ब्रेक, रॉन्ग टाइम पे आप ब्रेक ले लेते हैं, सबर कर लें जरा। मैं इसको अवन में रखना चाह रही हूँ, तो ये एक और करेंगे, इसके ऊपर सॉस डालेंगे और फिर अवन में रखेंगे, तो ये फिल करने दें मुझे, सबर करें। हमारे डायरेक्टर साहब भी ये जरा ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे और जल्दी से रोल। अब यहाँ दिखाइए, आई हैव टू वॉश माई हैंड्स एक्चुअली, वो दिखाइए। इसके ऊपर मुझे सॉस डालनी है, ठीक है? रोल अप्स देख लिए आपने, इसके ऊपर सॉस जाएगी, ठीक है?
ये बेक पार्लर के लजानिया रोल अप्स हैं। लजानिया के शीट्स को रोल करके अंदर मैंने, आप कीमे का फिलिंग भी कर सकते हैं, पालक का नहीं करना है तो, मैंने पालक और 3 इकसाम के चीज़ डाले हैं और इतना कोई मज़े का बनेगा, आप बस ट्राई करिएगा। ठीक है, अब ब्रेक ले, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। यहाँ मैंने पानी थोड़ा सा गर्म करने रख दिया, हमें ब्लांच करने हैं पालक के पत्ते पर। तो नेक्स्ट रेसिपी, ब्लांच का मतलब होता है गर्म पानी में से निकाल के ठंडे पानी में डालना। सो आई गॉट बर्फ यहाँ, और जैसे ही ये पालक हो जाएगी, जस्ट फॉर अ सेकंड निकाल के इसको ठंडे पानी में, ठीक है, ब्लांच करना है। और इसके लिए हमने यहाँ नूडल्स, स्पगेटी जो भी आप कहते हैं, बॉईल करके रख दिया है। और बेक पार्लर का चिली गार्लिक सॉस के बारे में बताती चलूँ कि बहुत ही अच्छा है, मुनफरिद अदरक और मिर्च का इसमें जायका है। इमली का सॉस भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, दैट्स गुड, बिकॉज इमली का सॉस हमें बहुत इस्तेमाल करते हैं फॉर रमज़ान, एंड बहुत सारी चीज़ें आप उससे बना सकते हैं। पास्ता की रेंज उनकी बहुत ही बड़ी है, जिसमें 26 मुनफरिद जायके हैं, और आपकी डाइनिंग टेबल को देगा एक नया ट्विस्ट। सो ज़रूर घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। नाउ आई जस्ट गो थ्रू द लज़ानिया रोल अप्स जो अवन में आपको नज़र आ रहे हैं, उसमें मैंने क्या किया था। पहले तो सबसे पहले तो आप रिकोटा चीज़ बनाइए। 1 किलो दूध लीजिए, 1 चमचा भर के उसमें नमक डाल दीजिए, 1 नींबू का रस डाल के उसको फटने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो दूध फट जाएगा तो उसको आप मलमल के कपड़े में टांग दीजिए, ठीक है, और फिर जो रह जाएगा वो रिकोटा चीज़ होगा। और मोज़रेला चीज़ श्रेड कर दीजिए। पामिजान चीज़ पाउडर में मिलता है, ब्लॉक में मिलता है, ब्लॉक वाला बहुत महंगा हो गया है, तो पामिजान चीज़ पाउडर वाला इस्तेमाल करिएगा। एक बोल में आप पालक डाल दीजिएगा, 2 अदद अंडे डालिएगा, ये तीनों चीज़ डाल दीजिएगा, ठीक है, और नमक, काली मिर्चें और जायफल मैंने डाला था, वो डाल के फिर आप उसको मिक्स कर दीजिए। बेक पार्लर का आपने लज़ानिया के शीट्स यहाँ रखे हैं, वो आपने बॉईल कर दिए पानी में और शाताज कुकिंग ऑयल में, थोड़ा सा नमक, और उसको निकाल दीजिएगा फ़ौरन। उसको बहुत नरम नहीं कर दीजिएगा, वरना वो रोल होते हुए टूट जाएंगे, ठीक है। निकालिएगा और दोबारा उस पर तेल लगा दीजिएगा, ताकि आप एक एक शीट को रोल कर सकें। एक बड़ा चमचा भर के वो फिलिंग का लीजिएगा, एंड में रखिएगा और रोल कर दीजिएगा। और फिर सॉस पहले नीचे रखिएगा, उसके ऊपर ये लज़ानिया के शीट्स भरे हुए पालक और चीज़ के साथ वो रखिएगा, फिर दोबारा थोड़ा सा सॉस, और आप अवन में उसको थोड़ी देर के लिए बेक कर दीजिएगा। अच्छा, अब दूसरी बात, ऊपर से अगर आप मोज़रेला चीज़ डालना चाहें वो भी कर सकते हैं, अंदर काफ़ी चीज़ था। पालक के पत्तों को आपने करना है ब्लांच, सो दैट मीन्स गर्म पानी में डाल के बस फ़ौरन हम निकाल देंगे, ओके। फिर हमने क्या किया था, थोड़ा सा शाताज कुकिंग ऑयल गर्म किया था, उसमें मैंने डाला था प्याज एक चॉप किया हुआ, 2-3 लहसुन के जवे, और बेक पार्लर का मैंने केचप का आधा पाउच जितना डाला था, टमाटो पेस्ट या टमाटो प्यूरे डाल दीजिएगा। आप चाहें कि थोड़े से चंकी सॉस हो आपका, तो उसमें आप 2-3 टमाटर भी चॉप करके डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, फिर और क्या करना था, ओरिगैनो, नमक, काली मिर्चें, चीनी, कुटी हुई लाल मिर्चें, वो सब भी आप डाल दीजिएगा। बस ये हो गया, हो गया, और निकालें। निकाल के फौरन ठंडे पानी में, ठीक है, जस्ट अबाउट 1 मिनट विल्ट हो जाए तो बस निकाल दीजिए। कॉलर हैं जी, इसको मैं कहाँ रखूँ, यहाँ रखता हूँ। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हाँ ठीक है, जन्ना कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आपके सामने। आप खाने बहुत अच्छे बनाती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, देखते रहिएगा रेसिपीज। जी क्या कह रही हैं? आपने जो कैरेट केक बनाया था ना, वो बहुत अच्छा बना था। कैरेट केक, ओके, वेरी गुड, आई एम सो ग्लैड आपने ट्राई किया। जी जी, और कुछ आज का सवाल देते जाइए। सवाल तो याद ही नहीं आ रहा। स्पगेटी के, स्पगेटी के साथ आप क्या क्या बना सकते हैं? बनाते थे जो आप बनाती है ना, तकरीबन ट्राई करती रहती हूँ। नाम बताइए जितना अगर है तो। हाँ नाम तो, एक दफा आपने हक्का नूडल्स बनाया था। हाँ बिल्कुल सही, और देखते रहते हो, कुछ नाम मुश्किल होते हैं, याद भी नहीं रहते। अच्छा कोई बात नहीं, SMS करिएगा 8881 पे, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू। इससे क्या होता है, पालक का कलर भी सही रहता है और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसकी ख़राब नहीं होती है, वरना हम पका के उसको काला कर देते हैं, वैसे नहीं चाहिए। बस गर्म पानी में डालें और निकालें, लिटरली वैसे करिएगा, ये कोई कच्ची वच्ची नहीं है, ऐसे भी खा सकते हैं। और थोड़ी सी और कर दूँ, सम लीव्स आर नॉट लुकिंग गुड, उनको हटा देते हैं।
लज़ानिया रोल अप्स ही फिर मैं देख लूँगी और फिर मैं उसको बंद कर दूँगी, बिकॉज उसमें कुछ भी नाइस इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कच्चा है, चीज़ जो है उसको बस हमें पिघलाना है, ठीक है। बस ये डालिए गर्म पानी में और निकाल दीजिए। ठंडे पानी में निकालने की बहुत ज़रूरी है, वरना वो पकता रहेगा। अब हम एक ड्रेसिंग टाइप बनाएंगे, आप देखिए मेरे साथ, देखते रहिए हमारा शो किस तरह बनाएंगे हम आज ये मज़ेदार सी मछली। मछली में कुछ नहीं लगाएंगे, ऐसे ही पकाएंगे। कभी कभार मछली, चिकन, गोश्त, उसको ऐसे ही पकाएं, बिकॉज आपको एक्चुअली उसका टेस्ट आए, वरना ऐसे लगता है हम मसाले खा रहे हैं और चिकन विकन का टेस्ट ही नहीं आ रहा। फिश का भी स्पेशली, डोंट नीड सो मच मसाला वसाला एंड फिश। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको हम छान लेंगे, पानी इसका पूरा निकाल देंगे, ठंडा पानी जो है। इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। ठीक है, बस अब इसको हम, इसको कहते हैं ब्लांच करना। गर्म पानी में डालें, निकालें ठंडे पानी के बोल में और फिर आप इसको पानी निकाल दें। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, मगर पहले हम क्या करेंगे, ब्रेक तो नहीं है? ब्रेक है, अच्छा। एक चीज़ बताती चलती हूँ मैं आपको, ये है चावल का सिरका, ये है सफ़ेद तिल, थोड़ा सा पानी और सोया सॉस लेके हम ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। तो पहले मैं क्या करूँगी कि मैं इन तिल को डाल के, तिल टोस्ट किए हुए हैं, सफ़ेद नहीं है, देखा आपने, हल्के से ब्राउन है, टोस्टेड ही इस्तेमाल करिएगा। एक मैंने रखा हुआ है फॉर द गार्निश, ये मैं इसमें डाल के पीस लूँगी। निकालेंगे, फिर हम सोया सॉस बेक पालक का डालेंगे, चावल का सिरका और थोड़ा सा पानी, वो डाल के फिर हम उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। सो सिर्फ ये पीस के रखूँगी। ब्रेक की तरफ चलते हैं। आपने अगर जीतना है इनिक्स की तरफ से डीलक्स सैंडविच मेकर और वाउच 365 के कूपन बुक्स, आज हम दो बुक्स दे रहे हैं अपने शो पे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भावलपुर, मुल्तान, हैदराबाद, पेशावर, एबटाबाद, सरगोदा, फैसलाबाद, ये सारे शहरों के लिए किताबें हैं। तो दो हैं टू गिव अवे, जल्दी से बताइए स्पगेटी से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। फिश के ऊपर आपने कुछ भी सीजनिंग डालनी है, ऑरिगैनो डाल दीजिए, नमक, काली मिर्चें डाल दीजिए, वट एवर यू वॉन्ट, हमें कुछ भी नहीं इसमें एक्चुअली डालना है, बस जस्ट कीप इट प्लेन एंड सिंपल। और यहाँ आपने थोड़ा सा शाताज कुकिंग ऑयल डाल दिया, ओके। मीनवाइल जो मैंने आपके सामने यहाँ आपको बताया था कि मैं तिल को पीस के रखूँगी छोटे ग्राइंडर में, बिकॉज ब्लेंडर में ये नहीं पिसेगा, ठीक है। सो ये है, ये चावल का सिरका है, राइस विनेगर, सोया सॉस है, बेक पाउडर का, ये ड्रेसिंग है इसका, ठीक है, और ये जो तिल थे वो, थोड़ा सा पानी, एंड देन जस्ट ब्लेंड दिस टुगेदर। क्रीमी सा सेसमी ड्रेसिंग आपका जब रेडी हो जाए तो उसको आपने डालना है इसमें स्पेगेटी में, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। यहाँ फिश को बहुत कम तेल में फ्राई कर दीजिएगा।
अच्छा ये दिखाइए प्लीज़, ये मैंने निकाल दिया है द रोल अप्स, लज़ानिया रोल अप्स जो हैं, पालक है, चीज़ है, बहुत मज़े के बनते हैं दोनों, नीचे ऊपर सॉस है, ठीक है, ट्राई करिएगा और ज़रूर बनाइएगा। सोल फिश मैंने ली हुई है, आप कोई सी भी दूसरी मछली ले सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक, फिले यूज़ करना है फिले कर दीजिए। सो तिल, सोया सॉस बेक पार्लर का, और आप ऑयल यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर दीजिएगा, मैंने नहीं किया है। पानी और विनेगर, चावल का सिरका डाल के आप क्रीमी सा ड्रेसिंग बना दीजिएगा। आप चाहें तो इसमें भी आप नमक, काली मिर्चें डाल सकते हैं इफ़ यू लाइक, जस्ट लिटिल बिट हम डालेंगे। सोया सॉस है बराए नाम, फिश एक यहाँ से वो लगे के हो गई है, तो जस्ट डिप इट। सोल फिश इज वेरी डेलिकेट। बहुत जल्दी ये मछली हो जाएगी, बहुत पतली है, कांटा निकाल दिया है, एक तरफ से चमड़ा है इसका, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, पालक को भी हमने इसमें मिक्स करना है जो ठंडी हो गई है, जिसमें से पानी निकाल दिया है आपने। कितनी सारी पालक मैंने गर्म पानी में डाल के ब्लांच कर दी थी, बस इसको आपने मिक्स करना है, दैट्स इट। और मछली ऊपर सर्व कर देनी है तिल डाल के, वेरी सिंपल। ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, चंद कतरे हम इसमें डालेंगे शाकार कुकिंग ऑयल के। रेसिपी रिकैप की तरफ मैं चलती हूँ, आपको जीतना अगर है इनिक्स की तरफ से सैंडविच मेकर और वाउच 365 की कूपन बुक्स, जिसमें बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, कूपन्स हैं, बाय वन गेट वन फ्री सब चीज़ें हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए स्पगेटी से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। देखें मैंने यहाँ नीचे प्लेटर पे पहले जो ड्रेसिंग हमने तिल का बनाया था उसके साथ पालक और ये नूडल्स को, इस स्पगेटी को मिक्स करके नीचे रख दिया, उसके ऊपर वो फ़िश रख दी हमने। एक तरफ से अगर आप उसका स्किन रखेंगे ना तो क्या फ़ायदा होगा कि स्किन क्रिस्प हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा, आराम से फ़िश आप उसके ऊपर से खा सकते हैं। और आपने इसके ऊपर एंड में बस ये स्प्रिंकल कर देने हैं चंद अदद टोस्ट किए हुए सेसमी सीड्स, दैट्स अबाउट इट। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फ़िश के साथ, और जो मैंने यहाँ लज़ानिया के शीट्स के साथ रोल अप्स बनाए थे चीज़ और पालक वगैरह के साथ, टोमेटो सॉस के साथ, वो भी रेडी है। अच्छा वाउच 365 की किताब जीती है रुबीना ने पिंडी से और मरियम ने हैदराबाद से, इनिक्स का गिफ्ट फरजाना ने फैसलाबाद से जीता है। मैं कल शीश ताऊ बना रही हूँ और बैंगन बनाऊँगी जेचुआन स्टाइल, यानी कि चाइनीज़ टाइप बैंगन, ठीक है। लज्जत में 5 बजे लाइव बनेगा लाहौरी हरीसा हवाइन मैक सैलड और स्पगेटी विद टोमेटो क्रीम। सो आई होप आप हमारे सारे शोज़ देखेंगे, लाइव भी, रिकॉर्डेड भी, और मेरे शो को देखने का बहुत शुक्रिया, कॉल करने का बहुत शुक्रिया, SMS करके जवाब देने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप हमारा साथ देते रहिएगा, हमारे शोज़ देखिएगा। मेरा शो रात में 12 बजे रिपीट होगा और दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे, ठीक है, तो देखना मत भूलिएगा। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।